हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये अनसीन पैसेज है अ थीप से लेकर यहाँ तक, पार्डन द थीप तक। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि अ थीप बिफोर बींग हैंग्ड, एक चोर बिफोर बींग हैंड, फांसी पर लटकाए जाने से पहले, आस्किड, उसने पूछा इफ ही कुड सी द किंग, कि क्या वह राजा से मिल सकता है। एक चोर जो है उसको फांसी पर लटकाए जाने से पहले उसने पूछा कि क्या वह राजा से मिल सकता है। एज, जैसा कि ही हैज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल हिम, जैसा कि उसके पास उनसे कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, मतलब जैसा कि चोर के पास राजा से कहने के लिए, बताने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। When he was taken to the king, जब वह राजा के पास ले जाया गया, when he was taken to the king, जब वह राजा के पास ले जाया गया, he told him, तो वह उनसे कहा, that कि he knew, वह जानता है how, किस प्रकार, to plant trees, कि पौधे लगाए जाएं, which would have golden fruits, जिसमें सुनहले फल लगेंगे। उसने राजा से कहा कि वह जानता है कि किस प्रकार पौधे को लगाया जाए जिसमें सोने के फल लगेंगे। फिर से देखिए, कि when he was taken to the king, जब उसे राजा के पास ले जाया गया, he told him, वो उनसे कहा, that कि he knew, वह जानता है how, किस प्रकार, to plant trees, पौधे को लगाया जाए which would have golden fruits, जिसमें सुनहले फल लगेंगे। द किंग, राजा, एंड हिज कर्टियस, और उसके दरबारी, बिकेम क्यूरियस, राजा और उसके दरबारी बिकेम क्यूरियस, जिज्ञासु हो गए, एंड ईगर, और उत्सुक हो गए टू सी, देखने के लिए, इफ व्हाट द थीफ सेड वाज ट्रू, और यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि इफ व्हाट द थीफ सेड, कि जो कुछ भी, कि क्या जो कुछ चोर ने कहा है वाज ट्रू, सही है। द थीप टोल्ड द किंग, कह रहा कि चोर ने राजा से कहा, दैट की सच अ ट्री, कि इस प्रकार का पेड़, वुड ग्रो ओनली, कह रहा कि केवल तभी बढ़ेगा, इफ इट वॉज प्लांटेड बाई एन ऑनेस्ट पर्सन, यदि इसको जो है एक ईमानदार व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है। चोर ने कहा कि यदि कोई ईमानदार व्यक्ति इस पौधे को लगाएगा तभी जो है वह पेड़ जो है सोने का फल देगा। सो इस प्रकार ही आस्क्ड द किंग टू प्लांट द ट्री, कह रहा है सो इस प्रकार ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से कहा टू प्लांट द ट्री, पेड़ को लगाने के लिए। नाइदर द किंग, न तो राजा, नॉर इवन द प्राइम मिनिस्टर, न तो प्रधानमंत्री, नॉर एनी ऑफ हिज कर्टियस, न ही उनके कोई दरबारी, फेल्ट महसूस किया मीन स्वयं को ऑनेस्ट, ईमानदार, कह रहा है कि न तो राजा, न तो प्रधानमंत्री, न तो राजा का कोई दरबारी अपने को ईमानदार महसूस किया एनफ टू प्लांट इट, कि वह उस पौधे को लगा सके। दस इस प्रकार दे शोड, इस प्रकार उन्होंने प्रदर्शित किया, दैट कि दे टू वे डिसऑनेस्ट, कि वे भी बेईमान हैं। सो द किंग, इस प्रकार राजा, पार्डन द थीप, इस प्रकार राजा ने क्या किया, चोर को क्षमा कर दिया। पार्डन मीन क्षमा करना होता है, कहने मतलब कि जब राजा ने खुद महसूस नहीं किया कि नहीं वह ईमानदार है, महामंत्री ने भी महसूस किया कि नहीं वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, और कर्टियस भी महसूस किया कि वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। अब देखिए, ये अनसीन पैसेज दे देता है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर देना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल दीजिए। एक अनसीन पैसेज देगा तो उसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर उस उपयुक्त शीर्षक का है कि सुटेबल टाइटल, इसका सुटेबल टाइटल क्या है, द क्लेवरनेस ऑफ ए थीप, एक चोर की चालाकी, द क्लेवरनेस ऑफ ए थीप, एक चोर की चालाकी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन इज ऑनेस्ट, नॉन इज कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग ये भी हो सकता है कि नॉन इज कम्प्लीट ऑनेस्ट, कोई भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। दूसरा है,
एक्सप्लेन द इटैलिसिस्ड पोर्शन इन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज में जो इटैलिसिस्ड पोर्शन अर्थात जो तिरछे छपे शब्द हैं उनको उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है। अब देखिए कौन से तिरछे छपे शब्द हैं, देखिए यहाँ से है ना, सच ए ट्री, इस प्रकार का पेड़, वुड ग्रो ओनली, केवल तभी बढ़ेगा इफ इट वॉज प्लांटेड बाई एन ऑनेस्ट पर्सन, यदि इसको एक ईमानदार व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है तो तभी वह पेड़ बढ़ेगा। अब देखिए अब इसी की व्याख्या करने की, आप मतलब अपनी भाषा में इसको जो है व्याख्या करने की, इसका मतलब क्या है। देखिए परीक्षा में इस तरह लिखेंगे, जैसे सच पूरा लिखा नहीं है, आप जो है इसको पूरा लिखेंगे, या तो ब्लैक पेन से लिखेंगे या लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे। अब इस तरह लिखने के बाद अब उसकी व्याख्या करेंगे कि द थीप गेव एन आइडिया, चोर ने एक विचार दिया, दैट की द ट्री, वह पेड़ विच, जिसे कह रहा है कि वह पेड़, फिर से देखिए द थीप गेव एन आइडिया, चोर ने एक विचार दिया कि द ट्री, वह पेड़ विच विल गिव गोल्डन फ्रूट्स, जो सुनहले फल देगा, कैन बी प्लांटेड ओनली, उसे लगाया जा सकता है ओनली बाय ए मैन, केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा, हु हैज नेवर डन द वर्क आप डिसऑनेस्ट, जिसने कभी भी बेईमानी का काम न किया हो। द वर्क आप डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी काम, कह रहा है कि उस चोर ने यह विचार दिया कि यह पेड़ जो है केवल उस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाएगा जिसने कभी बेईमानी का काम नहीं किया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड है कि व्हाट वाज द प्री कंडीशन फॉर द पर्सन, कह रहा है उस व्यक्ति के लिए पूर्व शर्त क्या थी, हु वुड प्लांट द ट्री, जो पेड़ को लगाएगा उस व्यक्ति के लिए पूर्व शर्त क्या थी। देखिए इसका आंसर है कि द कंडीशन वाज दैट, कह रहा है शर्त यह थी कि द पर्सन, वह व्यक्ति हु वुड प्लांट द ट्री, जो पेड़ को लगाएगा, शुड नेवर हैव डन द वर्क ऑफ डिसऑनेस्टी, कभी भी वह बेईमानी का काम न किया हो। उस व्यक्ति के लिए शर्त थी कि वह व्यक्ति कभी बेईमानी का काम न किया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डिड द किंग पार्डन हिम, पार्डन मींस क्षमा करना, राजा ने उसे क्षमा क्यों कर दिया। देखिए द किंग पार्डन हिम, राजा ने उसे क्षमा कर दिया, बिकॉज क्योंकि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, इवन किंग्स, यहाँ तक कि राजा भी, द प्राइम मिनिस्टर, महामंत्री भी, कह रहा है कि प्रधानमंत्री भी, एंड हिज कर्टियर्स, के दरबारी, वेर नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं थे, मतलब न तो राजा ईमानदार थे, न तो प्राइम मिनिस्टर ईमानदार थे, न तो कर्टियर्स के दरबारी ईमानदार थे, इसलिए उस चोर को भी क्षमा कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से तुम कौन सा सबक सीखते हो या कौन सी शिक्षा तुम्हें मिलती है। देखिए इसका आंसर है कि फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से वी लर्न द लेसन, हम यह सबक सीखते हैं कि ओनली द पर्सन, केवल वही व्यक्ति हुई इज ऑन, जो ईमानदार है, कैन पनिश, वह दंडित कर सकता है अ पर्सन, उस व्यक्ति को, हुई इज दिशा ने, जो बेईमान है। करें कि फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से वी लर्न द लेसन, सबक सीखते हैं कि ओनली द पर्सन, केवल वह व्यक्ति हुई इज ऑन, जो ईमानदार है, कैन पनिश अ पर्सन हुई इज डिसऑनेस्ट, एक बेईमान व्यक्ति को दंडित कर सकता है, जो ईमानदार है वो बेईमान को दंडित कर सकता है, बेईमान को दंडित नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स यह जो है एक अनसीन पैसेज का वीडियो एक कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको आइडिया भी आ गया होगा कि परीक्षा में अनसीन पैसेज आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।